दोस्तों इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मॉडल पेपर के बारे में ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि बी के द्वारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं किस टाइप के होते हैं किस लेवल के होते हैं तो इस मॉडल पेपर से आपको पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है जिससे आपको पता चलेगा कि बी के द्वारा डिप्लोमा स्टूडेंट्स का जो सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें पेपर को पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरह से सेट किए जाते हैं इजी लेवल का रहता है या फिर मॉडरेट रहता है या फिर हार्ड लेवल का रहता है सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता चलेंगी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा लास्ट में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप स्टडी करेंगे किस तरह से आपके एग्ज़ाम के समय में प्रिपरेशन करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें ठीक है इसके बारे में भी लास्ट में भी बात किया जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं तो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा सबसे पहले आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप यहां पे देखिए दो दो नंबर के आपके आपके दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे पांच पांच नंबर के ठीक है तो जो भी आपका पेपर होगा सारे के सारे क्वेश्चन आपके कितने होंगे तो पाँच पाँच नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मतलब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ठीक है इस बात को हमेशा आप लोग याद के रखिएगा ठीक है क्योंकि बीटीयूपी के द्वारा लगभग लग लगभग सभी पेपर में जो पूछे जाते हैं वो लॉन्ग टाइप में ही पूछे जाते हैं ठीक है पाँच नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पूछा गया था इस तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम को समझाइए ऑक्टल से डेसिमल में कैसे परिवर्तित करते हैं उदाहरण देकर समझाइए ठीक है ये आपका क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछा गया था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है अगर ऑक्टल से डेसिमल में कैसे हम लोग चेंजेस कर सकते हैं कोई संख्या है कोई डिजिट है जो ऑक्टल में है उसको डेसिमल में चेंज करना है तो कैसे करेंगे इसके कोई एक उदाहरण दे भी आपको लिखना था ठीक है दूसरा क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा गया था निम्नलिखित का महत्व समझाए फर्स्ट कंप्लीमेंट और टूज कम्प्लीमेंट ठीक है वंस कंप्लीमेंट और टूज कंप्लीमेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन हमेशा कुछ ना कुछ पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बार बार क्वेश्चन सारा रिपीट होता है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कुछ नंबर नंबर्स दिए थे दिए हुए थे उनमें कुछ चेंजेस करना था जैसे आपका पहला दिया था बाइंड्री में दिया था इसको डे में चेंज करना था फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्टल में दिया था फिर इसको डे में चेंज करना था इस तरह से देख सकते हैं इसको बाइंड्री में चेंज करना था इसको बाइंड्री में इसको ऑक्टल में आप देख सकते हैं डेसिमल में इसको लास्ट वाले को डेसिमल में चेंज करना था ठीक है तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपको दे सकता है नंबर सिस्टम से चेंज करने के लिए दूसरे नंबर सिस्टम में ठीक है अगला जो पार्ट है इस पार्ट में भी आपको तीन क्वेश्चन देखने को मिलेगा सारे के सारे क्वेश्चन आपके पाँच नंबर के होंगे और इन तीन क्वेश्चन में से सिर्फ आपको दो ही करने हैं ठीक है तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था डिमोर्गन थ्यूरम को थ्रू टेबल के साथ समझाइए ये थ्यूरम जो है डिमोर्गन जो थ्यूरम है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको हमेशा आपको रटा होना होना चाहिए ठीक है हमेशा बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अगला आपका हो गया अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कार्न ऑफ मैप विधि को दो वेरिएबल एवं तीन वेरिएबल के संबंध में समझाइए कॉर्न ऑफ मैप क्या होता है दो वेरिएबल को लेके और तीन वेरिएबल को लेके एग्जांपल के साथ आपको समझाना था कि कैसे होता है कि वेरिएबल का यूज कैसे करते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गेट्स क्या होता है लॉजिक गेट्स क्या होता है निम्नलिखित लॉजिक गेट के चिन्ह फिर एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल को आपको लिखना था जैसे आपका हो गया और uh, गेट हुआ फिर आपका एग्जॉर गेट हुआ फिर आपका नैंड गेट हुआ इन तीनों गेट का सबसे पहले आपको लिखना था कि लॉजिक गेट होता क्या है ठीक है व्हाट इज़ लॉजिक गेट लॉजिक गेट के बारे में आपको लिखने के बाद फिर आपका और लिखना फिर गेट लिखना था फिर एग्जॉर गेट लिखना था फिर नैंड गेट के बारे में लिखना था ये सारे चीज़ें आपको लिखना था कितने नंबर में पाँच नंबर में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइप में पूछे गए हैं पाँच पाँच नंबर के ठीक है चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगले पार्ट में अगले पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था हाफ एडर और फुल वेडर की व्याख्या कीजिए उसके ब्लॉक चिन्ह के साथ ठीक है ब्लॉक चित्र के साथ और मतलब हाफ एडर क्या होता है और फुल एडर क्या होता है ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बार बार क्वेश्चन आपसे रिपीट होता है हाफ एडर फुल ऐडर के बारे में इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डिकोडर की व्याख्या कीजिए फोर बाइनरी डिकोडर का कार्य समझाइए ठीक है डिकोडर क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना था और टू इंटू फोर बाइनरी जो डिकोडर होता है इसके बारे में आपको लिखना है ठीक है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मल्टीप्लेक्सर पर संक्षिप्त टिप्टी करने के लिए डिमक्स मक्स मक्स क्या होता है सिर्फ ठीक है सिग्नल को जब कई सारे सिग्नल को आपस में मिलाना होता है तो मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं इसके बारे में आपको लिखना था ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे आपके जितने भी क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में दिए गए हैं सारे को, सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है चूँकि ये 2019 का पेपर है 2020 का पेपर है इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बी टी के द्वारा बार बार क्वेश्चन को रिपीट किए जाते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से तैयार करके रट के जाइएगा आप अच्छे से अच्छे नंबर पाएंगे ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या किस तरह से पूछा गया था जेके फ्लिप फ्लॉप की रेस राउंड कंडीशन को समझाइए इससे कैसे बचा जा सकता है ठीक है तो रेस राउंड कंडीशन क्या होते हैं इसके बारे में आपको लिखना था जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में कि कैसे इसे बचा जा सकता है ठीक है रेस राउंड कंडीशन इसी को बोलते हैं और टॉगल कंडीशन भी कभी कभी बोल देते हैं तो जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि एक राउंड कंडीशन होता है जो इसका डिसएडवांटेज है जेके फ्लिप फ्लॉप को इसको तीन तरह से हम लोग इसको हटा सकते हैं ठीक है जब आप कंपटीशन कंटी, में पढ़ेंगे तो जेके फ्लिप फ्लॉप का जो रेस राउंड कंडीशन होता है उसको तीन तरह से हटा सकते हैं लेकिन अभी डिप्लोमा लेवल पे आपको देखने को मिलेगा सिर्फ एक कंडीशन होता है ठीक है एक टी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं वहाँ पर इसका यूज़ करके रेस राउंड कंडीशन को हटा देते हैं ठीक है अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था डी टाइप फ्लिप फ्लॉप और टी टाइप फ्लिप फ्लॉप का संक्षिप्त टिप्पणी मतलब टी फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप पर संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए दे सकता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए दे सकता है शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं इसके प्रकारों को लिखिए ठीक है ठीके? कौन कौन से शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं सीरियल शिफ्ट रजिस्टर होता है पहलर शिफ्ट रजिस्टर होता है इसके अलावा भी कई सारे शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं तो शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है इसके बारे में आपको दे सकता है इसके प्रकार को भी लिखने के लिए दे सकता है सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रहा है अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके एग्जाम में किस तरह से पूछा जा सकता है आर बाई टू आर लेडर डिजिटल से अनलॉक में परिवर्तन के फ़ायदे बताइए ठीक है आर बाई टू आर एक लैडर नेटवर्क होता है जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं डिजिटल से अनलॉक में अगर सिग्नल को चेंज करना है तो उसमें हम लोग आर बाई टू आर लेडर नेटवर्क का यूज़ करते हैं इसका यूज़ करके बनाते हैं डिजिटल टू अनलॉक कन्वर्टर ठीक है उसमें यूज़ होता है तो इसके बारे में आपको लिखना था अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था काउंटर्स पर समक्षेट टिप्पणी कीजिए ठीक है काउंटर्स क्या होते हैं इसके बारे में आपसे पूछा गया था अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अस्थाई या गतिशील रैम ठीक है स्टैटिक या डायमिक रैम से आप क्या समझते हैं उनके लाभ हानि उपयोग की व्याख्या कीजिए आप देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ठीक है ऐसे ही क्वेश्चन आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछे जाते हैं और कोशिश कीजिए सारे के सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आपने क्वेश्चन कर दिया तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है ठीक है तो पचास नंबर का पेपर में आपको कभी चालीस नंबर मिल सकता है तिरालीस मिल सकता है अड़तालीस भी मिल सकता है ठीक है अगर अच्छे से आप एक्सप्लेन किए हुए हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका नंबर नहीं कटता है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एग्जामिनर जो होता है वो देता है जो कॉपी चेकर होता है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देने की कोशिश करता है ठीक है क्योंकि ये नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने वाला है तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि बी टी के द्वारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर सेट किए जाते हैं जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं किस तरह के रहते हैं तो मुझे लगता है जो आपका पेपर रहता है बहुत ही ईजी लेवल का रहता है ठीक है अगर आप कुछ ही पढ़ाई करके अपना बहुत अच्छा इसमें दे सकते हैं अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक अगर रखे हुए हैं तो उसमें से आप देख सकते हैं उसके क्वेश्चन को पहले देखिएगा ठीक है किस तरह से आपके बी के द्वारा पूछा गया है फिर उसके आंसर्स को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना ईजी है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है और अच्छा खासा नंबर भी इसमें आपको मिलेगा तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको सभी को हेल्प मिला होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक खुश रहिए मस्त रहिए अपने एग्जाम की तैयारी खूब जम के कीजिए बेस्ट ऑफ लक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद